गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हमने कल फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम लोगों ने देखा था। ओके, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन मीन्स फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सन 1967 यानी 1967 में निर्माणात्मक मूल्यांकन का अर्थ स्क्रीवन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का कार्य पाठ्यक्रम में लगातार विकास करना है तथा साथ ही साथ उसमें सुधार करना है। अब पाठ्यक्रम में जो विकास करना है यानी कि उसमें लगातार डेवलपमेंट करना है और उसमें सुधार लाना है, तो ये सब हम लोग किस बेस पे करेंगे? जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग ये कार्य करेंगे। जो करिकुलम प्रिपेयर होके मिला है हमको, उसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को लर्निंग कराएंगे, अधिगम कराएंगे। तो जहाँ पर उस स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज होंगी, उसको विभिन्न मेथड से, विभिन्न प्रक्रिया द्वारा, इजी मेथड से टीचर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी उसको कहीं दिक्कत आती है, हर पहलुओं पर देखने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है या उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन हमारा उसकी अनुमति प्रदान करता है। यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करने के बाद ही हम पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, सुधार लाते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण बेसिकली विशेष ऑब्जेक्टिव्स को, विशेष एम्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये लक्ष्य जो होते हैं, जो एम्स होते हैं, वो समाज का शिक्षा के द्वारा विकास तथा विद्यार्थियों की सर्वांगीण उन्नति करते हैं। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय तथा स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन लाती है। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है, जो उसका फॉर्मेशन होता है करिकुलम का, वो कुछ विशेष लक्ष्यों और कुछ विशेष एम्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओके, तो जिससे क्या होता है, समाज का शिक्षा द्वारा तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण उन्नति होती है। विद्यार्थियों की उन्नति कैसे होती है? विद्यार्थियों की उन्नति जब वो नॉलेज को गेन करते हैं, अधिगम प्रक्रिया करते हैं, और समाज का शिक्षा द्वारा विकास। समाज का शिक्षा द्वारा विकास किस तरीके से होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति एजुकेटेड होगा, उसको एजुकेशन दी जाएगी, तो उस तरीके से हमारा जो समाज होगा विकसित होगा। और यह प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें समय तथा स्थिति के साथ पाठ्यक्रम परिवर्तन लाया जाता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसा जैसे समय परिवर्तन होता है, उसी तरीके से जैसी डिमांड होती है। आज हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और उसी के अनुरूप करिकुलम का निर्माण किया जाता है। तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे जो चीज़ें छात्र को चाहिए होती हैं, उसको ध्यान में रखकर करिकुलम का निर्माण किया जाता है और उसको लचीला बनाया जाता है, ताकि उसमें समय आने पर आवश्यक रूप से परिवर्तन किया जा सके। ओके, तो ये था हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब हम लोग जो इसका सेकेंड टाइप है, वो हम लोग देखेंगे निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसमें सबसे पहले एक परिभाषा लिखी है गुड के अनुसार। गुड के अनुसार क्या है? निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। क्या कह रहा है यहाँ पर डेफिनेशन कि गुड के अनुसार निदान का अर्थ
अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि जो निदान होता है यानी कि जो डायग्नोस्टिक होता है वो क्या होता है, अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स में सीखने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो उसमें कमियां हैं, उसका निर्धारण करना है, उसको जानना है। हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ टेस्ट लिखता है और हम लोग डायग्नोसिस सेंटर पे जाके उसका जांच करवाते हैं तो उस जांच में हमको पता चलता है कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल, उसको डायग्नोस करते हैं और जो एग्जैक्ट हमारी बीमारी होती है हमें उसके बारे में पता किया जाता है, बताया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले जांच कराता है, वो जांच को जब लिखता है तो वो क्या करता है, डायग्नोसिस सेंटर भेजता है कि आप डायग्नोसिस सेंटर में जाकर इस चीज़ का आप जाँच कराओगे, तब हम उस पर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, आपको कौन सी बीमारी है, आपको किस तरह आपका ट्रीटमेंट होना है। तो पहले वो पता लगाता है कि उसमें क्या क्या बीमारी है, क्या कमी है ना, जिससे वो सही तरीके से उसको मेडिसिन दे सके, डॉक्टर इस तरीके से करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक होता है यहाँ हमको किसी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर एक अध्यापक, एक टीचर क्या करता है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करता है, डायग्नोस करता है कि स्टूडेंट्स जो हमारे सामने हैं, जो हमारा छात्र है, उसमें कौन सी कठिनाइयां हैं, वह किस कारण से सीख नहीं पा रहा है, उसमें कौन सी कमियां हैं। तो ये सब चीज़ें निर्धारण करती हैं एक निदानात्मक मूल्यांकन में। इसके अंतर्गत लिखा है इसमें, इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा किसी विद्यार्थी या समूह की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का व्यवहारगत समस्याओं की वास्तविक प्रकृति तथा कारणों को ज्ञात किया जाता है, जो हमने ये बताया। तो टीचर क्या करता है, टीचर उसके वास्तविक कारण को जानता है, जानने का प्रयास करता है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स आखिर सीख क्यों नहीं पा रहा है। हमने मेथड इजी लगा दिया, हमने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया, उसको जितनी भी प्रक्रिया थी टीचर के द्वारा करने वाली उसने सब कर दी, लेकिन तब भी स्टूडेंट सीख नहीं पा रहा है। कुछ और भी फैक्टर हो सकता है उसका, ओके, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी उसको पता लगाना, उसकी कमियों को पता लगाना, आखिर क्या उसका लेवल इस अकॉर्डिंग नहीं है, जो हम इतने इजी वे में सिखा रहे हैं तब भी वो नहीं सीख पा रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है। तो उन सब चीज़ों का उसके अनुरूप उपचारात्मक कार्यक्रम को तैयार करके उसका पूर्णता निदान किया जाता है, ओके। अतः इस मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति की जाँच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं या कमियों को व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि जब इस इवेल्युएशन को किया जाता है तो उसके बाद हम, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में उसको जज किया था, उससे हमें उसके कुछ और भी चीज़ें, और भी फैक्ट पता चल जाते हैं, ओके, कि उसमें गुण कौन कौन से हैं, उसमें कमियां कौन कौन सी हैं, वह किन किन क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड वर्क कर सकता है, क्रिएटिव वर्क कर सकता है। तो ये जो मूल्यांकन है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इससे इसके पश्चात हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं और कमियों को, यानी कि जो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, ओके, उसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि उसको किस क्षेत्र में, किस एरिया में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा कर सकता है और अपने जो नॉलेज है, अपना जो लेवल है, मेंटल लेवल, उसको भी किस तरीके से वो इंक्रीज कर सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेल्युएशन है ये, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। निदानात्मक, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से आप क्या समझते हो, तो वहाँ पर हमको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव इवेल्युएशन। संकलनात्मक मूल्यांकन में
जो इवेल्युएशन किया जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन का, अगर हम लोग संबंध देखें, उसका रिलेशन देखें, तो इसका जो संबंध है वो क्या है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है। पाठ्यक्रम का निर्माण विशेष लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो करिकुलम का निर्माण किया जाता है वो विशेष लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार के साथ साथ, पाठ्यक्रम में जैसे जैसे हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं उसके साथ साथ पाठ्यक्रम द्वारा निर्मित अथवा प्रभावित विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाती है। इस प्रकार से इस मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में क्या करना है, सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी के मूल्यांकन में उनमें सुधार लाना है। इसमें मतलब क्या है, पाठ्यक्रम में तो हम लोग सुधार कर ही रहे हैं, लेकिन उस सुधार के साथ, उस सुधार के परिणाम स्वरूप अगर हमने अगर पाठ्यक्रम में चेंज किया है कुछ, हमें ज़रूरत लग रही थी कि पाठ्यक्रम में चेंज करके स्टूडेंट्स के लिए और बेनिफिशियल बनाया जा सकता है ये, तो हमने उसको चेंज करने के परिणाम स्वरूप हमें ये भी पता करना है कि विद्यार्थी के मूल्यांकन से उसमें सुधार आया है या नहीं। मीन्स पूरी लाइन है इससे अटैच, हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पाठ्यक्रम में सुधार लाना है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में सुधार लाने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी के मूल्यांकन से उसमें सुधार लाना है। विद्यार्थी का मूल्यांकन करने पर उसमें सुधार आना चाहिए, ये नहीं कि हमने पाठ्यक्रम में चेंज तो कर दिया लेकिन स्टूडेंट्स में सुधार नहीं आ रहा है, हम उसका इवेल्युएशन अगर कर रहे हैं तो वो जैसे पहले था वैसे अब भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो पाठ्यक्रम में इसका मतलब कि जो चेंज हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, छात्र केंद्रित नहीं हो रहे हैं, बाल केंद्रित नहीं हो रहे हैं, चाइल्ड सेंटर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो उसमें स्टूडेंट्स नहीं सीख पा रहा है। तो उसने जो ये एक लाइन लिखी है कि इस मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो है पाठ्यक्रम में सुधार के परिणाम स्वरूप, लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए। इस मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी के मूल्यांकन से उसमें सुधार लाना है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जितने भी हम लोग इवेल्युएशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE पैटर्न। आज मूल्यांकन में हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि ये एक नवीन धारणा है। ओके, तो इसमें एक ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा ऐड हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हर जगह की जाती है। प्रेजेंट टाइम में सतत और व्यापक मूल्यांकन हमारा हर बोर्ड में लागू किया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा और ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। ओके, तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो शिक्षा आयोग जो है हमारा, शिक्षा आयोग ने सन 1964-66 के अनुसार, 1964-66 के अनुसार मूल्यांकन एक क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है और शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या है, शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन का जो सीधा संबंध है वो किससे होता है, सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। विद्यार्थियों के अध्ययन और अध्यापकों की शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने में मूल्यांकन मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन केवल सफलता या असफलता की जाँच के अतिरिक्त शिक्षा में सुधार भी करना है। यहाँ पर शिक्षा आयोग की जो डेफिनेशन है उसके ही थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो 1964-66 के अनुसार मूल्यांकन, उन्होंने बताया कि मूल्यांकन एक बहुत ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा प्रणाली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, शिक्षा प्रणाली का एक ये जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षण पद्धति है, उसका एक अभिन्न अंग है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा CCE पैटर्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन लाया गया, इसमें दो चीज़ें जोड़ी गई, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। दोनों वर्डों को अगर हम लोग देखें तो दोनों अपने आप को एक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सतत की बात हो रही है कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन किया जाए स्टूडेंट का, जिस प्रकार हम लोग एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद
एक वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली। जिस प्रकार हम लोग स्टूडेंट्स का एक इवेल्युएशन करते हैं तो वो एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन के तहत ही इंक्लूड होता है। कंटिन्यूस इवेल्युएशन यही कहता है कि बच्चे का लगातार कुछ कुछ समय पर इवेल्युएशन किया जाना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो, जिससे उसमें जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं हो रहे हैं, जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और आज प्रेजेंट टाइम में हमारे सभी बोर्डों में इसको लागू किया जाता है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। ओके, और जब हम लोग एक ओरल इवेल्युएशन करते हैं तो उसको भी हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके, रिटन तो होता ही है, एक ओरल इवेल्युएशन जब हम लोग करते हैं, सपोज ओरल टेस्ट ले लिया, ओके, तो इस तरीके से भी ये एक इवेल्युएशन का पार्ट है जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है उसके टाइप में। नाउ अब इम्पॉर्टेंट आता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सममेटिव इवेल्युएशन। इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंस जितने भी हैं हमारे सब इम्पॉर्टेंट हैं, सब किसी ना किसी बार पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट हमने इसमें मेंशन किए हैं आपके नोट्स में। तो सबसे पहला जो है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन और सेकंड इज संकलनात्मक फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। तो इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कहता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन है जो हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी थी उसी के बेस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है यह है, यह प्रासंगिक जानकारी देता है जो कक्षा निर्देश को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, वो क्या करता है, एक प्रासंगिक जानकारी देता है जो क्या करता है, क्लास के निर्देश जो होते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्लास इंस्ट्रक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओके, नाउ सेकंड डिफरेंस हम लोग देखेंगे इसमें, जो हमारा समेटिव इवेल्युएशन है वो कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम सीखने की प्रक्रिया का समग्र परिणाम प्रदान करता है। संकलनात्मक मूल्यांकन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग पाठ्यक्रम में चेंजेस ला रहे थे, वो चेंजेस हमारे स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट्स में सुधार लाने के लिए इम्पॉर्टेंट थे। उसके परिणाम स्वरूप हमें यह भी देखा जाता था कि स्टूडेंट्स से उसमें सुधार आ रहा है कि नहीं। तो समेटिव इवेल्युएशन कहता है कि क्लासरूम में जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको बेहतर बनाने में मदद करना है। हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में जो टीचर था वो क्लास में हर कंटेंट को इजी तरीके से बनाने और उसको समझाने का प्रयास करता था, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास करता था। और संकलनात्मक मूल्यांकन में जो पाठ्यक्रम में हम लोगों ने चेंज करे, यानी शिक्षण अधिगम सीखने की प्रक्रिया का समग्र परिणाम प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको, उसका एक समग्र परिणाम प्रदान करता है कि इन द एंड में जो इवेल्युएशन हो रहा है उसका जो परिणाम मिल रहा है वो हमको इस इवेल्युएशन में मिलता है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है ये कहता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ओके, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन किससे रिलेटेड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और जो संकलनात्मक मूल्यांकन है ये पाठ्यक्रम गतिविधि के अंत के रूप में माना जाता है, पाठ्यक्रम गतिविधि के अंत के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शिक्षा के दौरान किया जाता है, हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो किसके दौरान किया जाता है, किस समय किया जाता है, शिक्षा के दौरान, जब नॉलेज दी जा रही होती है उस समय यह किया जाता है। नेक्स्ट आता है यह शैक्षणिक सत्र के अंत में किया जाता है, ये कब किया जाता है, यह शैक्षणिक सत्र के अंत में किया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन जो है, समेटिव इवेल्युएशन, वो कब किया जाता है, हमारा शैक्षणिक सत्र के अंत में किया जाता है। यानी कि जो हमारा एक एकेडमिक ईयर होता है, ओके, उसके एंड में जो हमारा इवेल्युएशन होता है उसके एंड में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फोकस विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार करना है। इसका फोकस क्या करना है, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार करना है।
तो निर्माणात्मक जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, विद्यार्थी की जो उपलब्धि है वो किस तरीके से प्राप्त कर रहा है अचीवमेंट, ओके, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। अगर उसको वह गेन नहीं कर पा रहा है नॉलेज को, उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम टीचिंग मेथड को चेंज करते हैं, हम टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, उसकी जो एक हम लोग रूपरेखा बनाते हैं उसमें चेंज ला के स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका फोकस विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन करना है। समेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पर क्या करता है कि विद्यार्थी में उपलब्धि किस स्तर तक आ गई है, उसने किस लेवल तक अचीव कर लिया है, उसका वो इवैल्यूएशन करता है तो यहाँ पर ये सिंपल डिफरेंस है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या करता है, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार लाता है, लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या करता है, उस उपलब्धि का मापन करता है कि उसमें सुधार किस स्तर तक आए हैं। ओके, नेक्स्ट है जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है हमारा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, यह छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक और शिक्षक दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी कि जो हमारे पीपल टीचर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको क्या करता है, निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता रहता है। और जो संकलनात्मक मूल्यांकन है यह निरंतर फीडबैक नहीं देता है, ये क्या करता है, जो हमारा एंड में बात करी थी शैक्षणिक सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है, तो जब शैक्षणिक सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा तो हमको फीडबैक लगातार तो मिलेगा नहीं, है ना, तो एंड में जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तब हमको उसका रिजल्ट मिलता है। और इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो लगातार एक प्रतिक्रिया मिलती रहती है बैक अदर साइड से, उसका फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य लोगों को जानना और उनकी कमजोरी का निदान करना है। ओके, और जहाँ समेटिव इवैल्यूएशन है अगर डिफरेंस में, तो उसमें क्या हम लोग राइट करेंगे, छात्रों के वर्गीकरण और संवर्धन का उद्देश्य निर्धारित रहता है। ओके, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या कह रहा है, मूल्यांकन का उद्देश्य लोगों को जानने में और उनकी कमजोरी का निदान करना है, उनको उनकी जो कमज़ोरी है उनकी जो समस्या है उसके निदान करने में ये इम्पॉर्टेंट होता है, उनको सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट होता है। और जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, वो छात्रों के वर्गीकरण और संवर्धन का उद्देश्य उसमें निहित रहता है। ओके, तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो डिफरेंस हमने उन्हें देखा अभी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, अब आता है टेक्निक्स, मूल्यांकन की प्रविधि, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन की जो टेक्निक हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करेंगे उसको कि उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। आपको एक चार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो मूल्यांकन की प्रविधि से क्या तात्पर्य है, यानी कि उसकी टेक्निक से क्या तात्पर्य है, टेक्निक्स क्या कहती है, मूल्यांकन की प्रविधि से तात्पर्य उस विधि से है जिसके द्वारा हम बालक के ज्ञान व व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तनों तथा उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं व विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है कि मूल्यांकन की प्रविधि क्या कह रही है, मूल्यांकन की जो टेक्निक है, इवैल्यूएशन की जो टेक्निक है वो क्या कह रही है कि उस मेथड से है, इसका जो मीन है वो उस मेथड से है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के नॉलेज और बिहेवियर में जो हम लोग डिज़ायरेबल चेंजेस चाहते हैं उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं और विशेषताओं का मूल्यांकन कर सके। मतलब उन मेथड्स जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो वांछित परिवर्तन है, जो चेंजेस होने हैं हम लोगों को, उसमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नता और विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकें, उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका हम लोग क्या कर सकें, मूल्यांकन कर सकें। ओके,
तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन की प्रविधि यानी कि टेक्निक्स, जिसकी हेल्प से हम लोग स्टूडेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ को मेज़र करते हैं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को मेज़र कर सकते हैं, ओके, उनके जो नॉलेज और बिहेवियर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ये तो वो क्या कराती है, हमारी मूल्यांकन की प्रविधि कराती है, जिसके द्वारा हम लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब एक माध्यम बनाते हैं उसको, तो वो हमारी मूल्यांकन की प्रविधि कहलाती है। तो हम लोग पहले कि जो इम्पोर्टेंट हमारा चार्ट दे रखा है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन यानी कि जो मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं उनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा आता है संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, संख्यात्मक की बात करता है जिसमें संख्या को मेज़र किया जा सके, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। एंड सेकेंड इज़ गुणात्मक प्रविधियाँ यानी कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स, ओके, संख्यात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि। संख्यात्मक को हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक भी, परिमाणात्मक प्रविधियों की अगर बात करता है, क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन की परिमाणात्मक, परिमाणात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव प्रविधियों का वर्णन करिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो संख्यात्मक प्रविधि है वही हमारी परिमाणात्मक प्रविधि भी होंगी। मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स, प्रविधियों को, फर्स्ट क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव, ओके, जिसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है संख्यात्मक प्रविधि, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि संख्यात्मक प्रविधि यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में, मौखिक परीक्षा यानी कि ओरल, सेकंड लिखित परीक्षा यानी कि रिटन, थर्ड इज प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल। तो संख्यात्मक प्रविधि जो टेक्निक्स थी उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि लिखित परीक्षा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए लिखित परीक्षा है जो, उसमें हमारे कुछ आएंगे, जैसे लिखित परीक्षा हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं और दीर्घ उत्तरी होते हैं, ओके, यानी कि मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बेसिकली हमारे ये जो होते हैं तीन पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में टू टाइप्स के हमारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पुनः स्मरणात्मक यानी कि रिकॉल टाइप, एंड सेकेंड आता है हमारा पहचानात्मक यानी कि रिकॉग्निशन। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट आता है पुनः स्मरणात्मक यानी रिकॉल टाइप, एंड सेकेंड आता है हमारा पहचानात्मक यानी कि रिकॉग्निशन। रिकॉल टाइप में हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें साधारण पुनः स्मरणात्मक जो साधारण तरीके से हो सके, और सेकंड इज रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। नाउ अब आते हैं पहचानात्मक पर, स्क्रीन पे आपके सब शो हो रहा है, पहचानात्मक रिकॉग्निशन, उसको हम लोगों ने कुल फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि उसमें जो पहचानात्मक में किस टाइप के क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है बहुविकल्पी प्रश्न, ओके। नाउ सेकेंड आता है हमारा सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स, थर्ड आता है मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान करना, ठीक है, फोर्थ आता है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप, एंड नेक्स्ट आता है अनुपात, अनुपातात्मक टाइप यानी कि जो रेशियो वाले होते हैं उसमें हमारा एक रेशियो बन के आता है कि हम लोग अगर एक शब्द रेशियो में इधर लिखा हुआ है तो उसके समानुपात यानी कि उसकी जो दूसरी तरफ है वो उसका वर्ड क्या होगा, उसका मीनिंग हम लोग वहाँ पर क्या राइट करेंगे। तो ये है बेसिकली टाइप्स हम लोगों ने देखे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गुणात्मक प्रविधि के टाइप्स। सबसे पहले हम लोग चार डिस्कस कर रहे हैं, गुणात्मक प्रविधि यानी कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट जो आता है गुणात्मक प्रविधि का, क्वालिटेटिव टेक्निक का, अवलोकन यानी कि प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। तो
तो सबसे पहले हमारी आती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, सेकंड आती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड को कहते हैं हिंदी में आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। थर्ड इज चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होती है एक हमारी जिसके भी आप पे चेक किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेस पे हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंटरव्यू बेस पे जो पोस्ट होती है वो फिल की जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस में जो वैकेंसीज होती हैं उनको इंटरव्यू के थ्रू फिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कि संचयी अभिलेख, हिंदी में कहेंगे इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। नेक्स्ट आता है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन आयर, और फिर रेटिंग स्केल। तो गुणात्मक प्रविधि में बेसिकली हमारे 7 पार्ट्स हैं जिसमें सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है, सेकंड इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, थर्ड इज चेकलिस्ट, फोर्थ इज इंटरव्यू, फिफ्थ इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सिक्स इज रेटिंग स्केल एंड लास्ट इज द क्वेश्चन आयर। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं जिसके ये सभी क्या हैं हमारे, ये सब एक टूल्स की तरह वर्क करते हैं। इन टूल्स की हेल्प से, इन टूल्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि इवेल्युएशन प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जहां हमको जिस टूल की ज़रूरत होती है हम उस टूल को यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को, इन सब को हम एज अ टूल यूज़ करते हैं और किसी स्टूडेंट्स का, किसी पर्सन का क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग यहीं पर अपनी क्लास एंड करेंगे। इस टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन के चार्ट को आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जब ये चार्ट प्रिपेयर होगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमेशा बन के आया है कि मूल्यांकन की प्रविधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ओके या मूल्यांकन की प्रविधियों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने भाग में उसका वर्गीकरण, प्रविधियों का वर्गीकरण किया गया है उसको विस्तार पूर्वक समझाइए। ऐसे क्वेश्चन यूनिट में बन के आया है तो ये नंबर टेकिंग है तो अच्छे से प्रिपेयर होगा, आप राइट करोगे पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बन के आया है, आप सभी इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसका जो प्रत्येक टूल्स का जो हमारे हैं संख्यात्मक प्रविधि, गुणात्मक प्रविधि और इसके अंदर के जो है टूल्स, उनको सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका यूज़ क्या है, उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें किस तरीके क्वेश्चंस को हम लोग पुटअप करते हैं, ठीक है, उसके क्या क्वालिटीज़ हैं और उसके उसको यूज़ करने का क्या मेथड है, ओके उसमें किसी चीज़ में स्टेप्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिनको हम लोग को लर्न करना होगा, हम लोग जानेंगे किस तरीके से होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू क्लास।